नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अंकित है। पिछले एपिसोड में हमने यह समझा था कि पंचायती राज सिस्टम भारत में स्थानीय शासन व्यवस्था के विकास का इतिहास क्या रहा है, कहां से हम अपनी यात्रा शुरू किए थे और अभी कहां तक पहुंचे हैं, संवैधानिक सुधार क्या क्या हुए हैं, कौन कौन से संवैधानिक संशोधन हुए हैं, किस तरीके से स्थानीय शासन संस्थानों को संविधान रिकॉग्नाइज करता है, संविधान एक पहचान प्रदान करता है। पिछले एपिसोड में हमने यह भी समझा था कि ऐसा नहीं है कि पंचायत व्यवस्था कोई बहुत नई व्यवस्था है, इसका इसके पदचिन्ह हमें अपने वेदों में भी मिलते हैं, अंग्रेजी हुकूमत में भी मिलते हैं और भारत स्वतंत्र भारत में तो इसका उत्थान ही हुआ है। आज हम यह समझेंगे कि पंचायती राज व्यवस्था लागू किस तरीके से होती है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत किस किस स्तर पर होते हैं और पंचायतों में होता क्या है। तो बेसिकली भारत में त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है। त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था अर्थात पहले स्तर की पंचायत ग्राम पंचायत होती है, द्वितीय स्तर की पंचायत कुछ ग्राम पंचायतों को मिलाकर तालुका स्तर पर होती है या उसे मध्यम स्तरीय पंचायत कहते हैं, इंटरमीडिएट पंचायत, और तीसरी पंचायत होती है जिला पंचायत। तो तीन स्तर पर पंचायतों की भूमिका मेन यह है कि स्थानीय लोगों की जरूरतों को एक स्ट्रक्चर, एक संरचनात्मक तरीके से, एक योजनाबद्ध तरीके से तय कर स्टेट और स्टेट अर्थात राज्य को प्रदान किया जाए। सवाल यह है कि जिला पंचायत या मध्यम वर्गीय पंचायत कैसे समझेगा कि किसी पंचायत के लोगों की जरूरत क्या है। ये जिला पंचायत या मध्यम वर्गीय पंचायत की जिम्मेदारी है ही नहीं। वास्तव में लोगों की जरूरतों को तय करना, लोगों की जरूरतों को तय करने का संपूर्ण शक्ति लोगों को दिया जा चुका है। अगर आप देखेंगे संविधान के Part-9 में अर्थात 9वें भाग में, जो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अगर आप देखेंगे तो ग्राम सभा को खुले तौर पे यह शक्ति दी गई है कि वह तय करे कि ग्राम पंचायत के विकास के लिए, ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के विकास के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। अर्थात लोगों के विकास हेतु जरूरी कदम उठाने का मुख्य जिम्मेदारी ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत की है। सवाल यह बनता है कि ग्राम सभा होता है या नहीं होता है, अगर होता है तो कैसे होता है और क्या स्थिति है। तो वास्तविकता कड़वी है। वास्तविकता यह है कि ग्राम पंचायत का कोरम होता है, ग्राम पंचायत बहुत गिने चुने, टोटल 2.5 लाख पंचायतों में से कुछ 1000-2000 पंचायत ऐसे हैं जहां ग्राम पंचायत ग्राम सभा वास्तविक तौर पे आयोजित करता है और ग्राम सभा की जो जिम्मेदारियां हैं वह ग्राम सभा निर्वहित करती है। वास्तविक मुद्दा यही है। ग्राम सभा में जब हम नहीं भागीदारी करते हैं, ग्राम सभा जब आयोजित होती है और उसमें लोगों की भागीदारी, जन भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पाती है, तो लोगों के विकास हेतु क्या जरूरी है ये मुद्दे ही नहीं आ पाते हैं। ये बात ही नहीं होती है कि क्या पहले किया जाए क्या बाद में किया जाए। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसकी 2-3 वजह है। पहली वजह तो यह है कि जो तबका, हमारे जनसंख्या का जो तबका आज के डेट में विकास के लिए सबसे सक्रिय है, अर्थात हमारा युवा वर्ग और हमारे युवा जिनकी उम्र अगर हम देखें तो 18 से लेके 35 तक कहते हैं, अगर हम इसको 50 तक कर दें तो यही वर्ग ऐसा है जो कि नौकरियां करता है, जो कि अलग अलग बिजनेस करता है, जो कि वास्तविक तौर पे हर परिवार में अर्निंग होल्डर है, हर परिवार में
पैसा कमाने वाला एक आयु वर्ग है। तो ऐसे कंडीशन में इस आयु वर्ग के लिए यह बहुत कठिन हो जाता है कि ये अपने एक दिन का काम छोड़ के और ग्राम सभा में जाए। पहला तो ये मुद्दा। दूसरा कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं क्या वो जा पाते हैं क्या? नहीं, वो उसमें भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जा पाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्राम पंचायत ग्राम सभा कब करने वाली है, किन मुद्दों पे करने वाली है, इसकी प्रॉपर इसके उचित तरीके से प्रचार प्रसार नहीं की जाती है। क्योंकि ग्राम सभा में जब ज्यादा लोगों की भागीदारी होगी तब उसमें ज्यादा वाद विवाद होने के भी चांसेस होते हैं, वो संभावना होती है। ऐसे कंडीशन में स्थानीय जो कार्यकारिणी समिति है उसके लिए यह बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो इन वाद विवादों को कैसे सुलझाए। और कई बार वाद विवाद व्यक्तिगत कटुता में भी बदल जाते हैं। तो ये कुछ प्रैक्टिकल कुछ वास्तविक समस्याएं हैं, हमारी सामाजिक समस्याएं हैं जिनके वजह से हम कई बार अपने जनप्रतिनिधियों और अपने कार्यकारिणी के सदस्यों को ग्राम सभा करने से इतराते हुए देख सकते हैं। आप ये सोचिए कि अगर ग्राम सभा होती तो क्या होता। ग्राम सभा अगर होती तो हम जाके हर वर्ग, वो युवा हो महिला पुरुष, वृद्ध हो महिला पुरुष, बच्चे हो माताएं हो, तो ये सब लोग जाके अपने अपने मुद्दे रख पाते। और जो जीवन व्यतीत करने के लिए जो बेसिक जो मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है उन्हें हम बहुत स्पष्ट तौर पे वहां रख पाते। आज अगर हम देखें तो ग्राम पंचायतों को जो पैसा जाता है उसका अधिकतर भाग आधारभूत संरचना के विकास के लिए खर्च होता है। ऐसे में एक बात तो स्पष्ट है कि आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए, इस बात पर सर्वसम्मति है। तो इस बात पर जब सर्वसम्मति है और अगर हम आधारभूत संरचना को इतनी प्राथमिकता दे रहे हैं, तो अगर ग्राम पंचायत एक योजनाबद्ध तरीके से आधारभूत संरचना के विकास करे तो वो एक टिकाऊ विकास होगा, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। पर आज स्थिति ऐसी है कि ग्राम पंचायत के अंदर विकास कार्य कौन कौन से होंगे इसको तय करने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग होते हैं। वो अपने हिसाब से या सरकारी कैलेंडर के हिसाब से ग्राम सभा रखते हैं जिसमें कुछ कोरम भर लोगों की उपस्थिति हो जाती है और उसके बाद ग्राम पंचायत में कौन कौन से विकास कार्य होंगे यह तय हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में यह बहुत विचारणीय मुद्दा है कि टैक्स तो सब लोग दे रहे हैं, टैक्स तो हर इंसान दे रहा है, हर तबका दे रहा है, पर जब विकास हेतु जरूरी कदमों को उठाने की बारी आती है तब निर्णय कुछ खास लोग कर रहे हैं, तब निर्णय में सबकी भागीदारी नहीं हो पा रही है। तो ऐसे कंडीशन में उस टैक्स का जो बेनिफिट, उस टैक्स का लाभ जो वापस उस जन सामान्य तक पहुंचना चाहिए था, उस हर इंसान तक पहुंचना चाहिए था, वो कहीं गुम हो जाता है। मित्रों में यह भी देखना होगा कि ग्राम पंचायत कितना पारदर्शी है। भारत सरकार एवं अन्य राज्य सरकार कुछ कदम ऐसे भारत सरकार एवं राज्य सरकारों ने कुछ कदम ऐसे जरूर उठाए हैं जिनसे पंचायतों में कब क्या होना है, कैसे होना है, कौन करना है, ये सब बातें अब जन सामान्य तक पहुंच सकती हैं। इंटरनेट के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। अगर आप देखें अभी हाल में ही पिछले 2 अक्टूबर 2018 को भारत सरकार ने मिशन अंत्योदया के अंतर्गत ग्राम पंचायत विकास योजना पर पीपल्स प्लान कैंपेन नाम का एक कैंपेन चलाया, एक बहुत ही एम्बिशियस, बहुत ही उद्देश्यपूर्ण एक योजना चलाई
कि हम हर घर तक, हर घर का सर्वे करना चाहते हैं, हर पंचायत का एक प्रोफाइल तैयार करना चाहते हैं, ताकि हम यह देख पाए कि वहां पे वास्तविक स्थिति क्या है, मूलभूत सुविधाओं में कौन कौन सी उपलब्ध है और कौन कौन सी की जरूरत है, और वहां पे गैप्स क्या क्या हैं, जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन कैसे दिखती है, किस वर्ग के कितने लोग हैं। तो ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही विस्तृत एक डेटा फॉर्मेट तैयार किया गया है। अगर आप अपने ग्राम पंचायत के बारे में कोई भी सूचना, मूलभूत जरूरत से संबंधित कोई भी सूचना अगर आप देखना चाहते हैं, तो आप missionantyodaya.nic.in पर जा सकते हैं और वहां पर रिपोर्ट्स सेक्शन में ग्राम पंचायत स्कोर सेक्शन ओपन करके आप अपने ग्राम पंचायत की मैपिंग देख सकते हैं कि हमारा ग्राम पंचायत पूरे देश के ग्राम पंचायतों में कौन से रैंक पे है, उसमें बेसिक जो सुविधाएं हैं उसमें उसका रैंकिंग क्या है, गैप कहां कहां पे है, और वहां बाकी डिटेल्स कैसे हैं, जैसे जनसंख्या हो गया, जल संसाधन है कि नहीं, वन संसाधन है कि नहीं, इरिगेशन कैसा है, सिंचाई व्यवस्था कैसा है, वहां पे कृषि कैसे होती है। तो इन सारे मुद्दों को आप देख सकते हैं। सवाल, मैं ये सब इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर ग्राम सभा में आपको जाने का मौका मिला आने वाले समय में, जैसे ही नया वर्ष स्टार्ट होगा, नया आर्थिक वर्ष शुरू होगा 2021, उस समय आपके दिमाग में यह तय होना चाहिए कि आपके ग्राम पंचायत के लिए कौन सी चीजों की जरूरत है। आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी ग्राम पंचायत की वास्तविक स्थिति क्या है, आपके ग्राम पंचायत में कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिससे जीवन नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है और जिससे जीवन सकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है। आपके लिए यह जानना जरूरी है, तभी आप ग्राम पंचायतों में होने वाले ग्राम सभा में एक जागरूक नागरिक के तौर पर भाग ले सकेंगे। धन्यवाद।